इस नाटक को बनाते समय किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाई गई है सिवाय कुछ इंजीनियर्स को छोड़ के. सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीनियर्स टू हेल्थ. वेलकम टू लाइफ ऑफ आईटी इंडस्ट्री एक्ट वन डेवलपर्स एमओएम मीटिंग. और वीरू भाई क्या हाल है? बढ़िया. गुड मॉर्निंग. बड़े उदास लग रहे हो, क्या हो गया? हाँ यार, उस दिन गुड फ्राइडे था, मैं घर पर था, मेरा अपना बच्चा, अपना खून अपनी माँ से पूछता है ये संडे वाला डैडी घर पर क्या कर रहा है. संडे वाला डैडी, अबे सिर्फ सैटरडे संडे दिखेगा तो तेरा बेटा ऐसे ही बोलेगा ना, संडे वाला डैडी. यार अपनी तो यही रोनी है. और बात क्या है, तू तो बड़ा खुश लग रहा है. तो तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जब ऊपर आ रहा था ना, हाँ हाँ, तभी मेरे साथ लिफ्ट में थी तीन तीन लड़कियाँ. तीन तीन लड़कियाँ? किसी ने तुझे देखा? देखा तो नहीं यार. नजरे मिली? नजरे 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 भी नहीं मिली. अरे कुछ तो हुआ होगा. कुछ नहीं हुआ रे, पी1 पे एक लड़की उतर गई यार. अब वो बची तो और तू अकेला. अभी तो उसने तुझे देखा होगा. देखा देखा तो नहीं रे. नजरे मिली? नजरे नजरे भी नहीं मिली. कुछ तो हुआ होगा. कुछ नहीं यार, फर्स्ट फ्लोर आया एक और निकल गई. अब वो अकेली, तू भी अकेला. हट, कुछ नहीं हुआ ना, नजरे मिली ना बातें हुई, आउट ऑफ फोकस थी, मैं ही सेकंड पे उतर गया. क्या सुबह सुबह बता रहा है? Hey guys, all is well ना? Hi, आया नहीं अभी? नहीं नहीं यार. घर में मीटिंग में रखी है? क्या पता कभी भी मीटिंग रख देता है. लेकिन मैं अभी आया तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, घर में आया. छुट्टी की बात कर लेता हूँ. छुट्टी, all the best. Thanks sir. Good morning. Good morning. Good morning guys. Very good morning. Please take a seat. We have a very good news for you. Good news? Good news? Yes. We have got a new project. New project? Sir, naya project lene se pehle mujhe kuch kehna hai. Okay, go ahead. Sir, pehle project mein aapne kaha tha ki project chota hai. Magar wo project pure 3 saal chala. Dusre project mein bhi client meeting ke 20 din baad रिक्वायरमेंट मिली. काम शुरू हुआ एक महीने बाद, जबकि मैंने ये क्लाइंट मीटिंग में प्रूफ कर दिया था कि डेवलपमेंट में देरी नहीं है, प्रोजेक्ट लेट मिला है, नहीं तो आदमी छुट्टी में चला जाता. और आज एक नया प्रोजेक्ट दे रहे हो, इसका मतलब ना रहा छुट्टी मांगने वाला और ना रही छुट्टी, रह गया तो सिर्फ प्रोजेक्ट. सर जी, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिला है. नहीं मिला है तो वो इंक्रीमेंट, नहीं मिला है तो एप्रिसिएशन, और नहीं मिला है तो वो अवार्ड. सर जी, अवार्ड पे अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं, मगर जब भी ये 2.5 किलो के अवार्ड अनाउंस होते हैं, मिलते नहीं, बांट दिए जाते हैं. सर जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए लोगों ने अपने जमीन जायदाद तक बेच डाले, क्या मिला उनके बच्चों को? प्रोजेक्ट. जहां तक औरतों ने अपने गले के मंगल सूत्र तक बेच डाले, क्या मिला उनके बच्चों को? प्रोजेक्ट. सर जी, .NET, जावा, SQL में घुस घुस कर करे सर तो कई सारे इंजीनियर्स बन चुके हैं खुद प्रोजेक्ट. क्या मिला इनको? प्रोजेक्ट. और ये हाल यहां बैठे सारे इंजीनियर्स का और दुनिया में बैठे सारे इंजीनियर्स का है. इन सब की नजरें आप पे लगी है, आप पे भी लगी है. क्या आप इन्हें क्या देते हो? इंक्रीमेंट, एप्रिसिएशन? या सर, मुझ गरीब को छुट्टी प्लीज सर. अच्छा है डायलॉग, अच्छा है. एक बजे लिख ले, आगे काम आएगा.
लोग दारू पी के मर गए, काम करके मरेगा। छुट्टी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। मालूम नहीं इंक्रीमेंट कौन लेता है, इंक्रीमेंट वो कलम वाली भाई देती है, इंक्रीमेंट उससे मांग लेता है। बहुत बड़ी छुट्टी देगा। अबे इसकी तो हो गई परमानेंट छुट्टी। और मैं बन गया सीनियर डेवलपर। गाइस 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 तुम्हें पता क्या हुआ? अरे अपना कोई लाइन जगह फट गया यार। हाँ यार। अरे टीएल ने अर्जेंट मीटिंग रखी है, वो कभी भी आ सकता है। चलो थोड़ा काम करते हैं। देखो देखो वो आ गया। एक डिफेक्ट नहीं पकड़ पाए तुम लोग, एक डिफेक्ट। जानते कितनी इंपॉर्टेंट चीज रखी? उसे सिस्टम मशीन कौन कर रहा था? सर मैं कर रहा था। आपने देखा उस इवेंट को? नहीं सर। क्यों? सर उस दिन मैं अपना वो जीमेल पे मेल चेक कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम जीमेल पे क्या कर रहे थे। मार जेंडिंग आते ही लोग जॉब सर्च चालू कर देते हैं। आप मैनर डस्टिंग कर रही थी? हाँ सर, बट वो मैं एक घंटा पिज्जा हट में गई थी। एक घंटा? जानते हो कितना इम्पोर्टेंस है एक घंटे का? इस एक घंटे में तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है कहीं ऐसी जगह जहाँ पिज्जा क्या वड़ा पाव भी नहीं मिलेगा। बात है सर। बोलो। हम लोग ने वो क्रिटिकल डिफेक्ट रेज किया था, पर डेवलपमेंट टीम के विशाल और हमीद ने वो रिजेक्ट किया। अच्छा माजी सटकली। ट्रैकिंग मीटिंग कभी है? मैं तुम लोगों को बाद में मिलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, अभी तो हमने डेवलपर एंड टेस्टर का इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन देखा है, नाटक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखते हैं क्या होता है जब टेस्टर्स एंड डेवलपर्स आमने सामने आते हैं। एक्ट थ्री, टेस्टर एंड डेवलपर डिस्कशन। बड़े खुश नजर आ रहे दोस्त, देख रहे हो ये क्या है? मेल है और क्या। तुमने हमारे चेहरे पे कभी इतनी बड़ी स्माइल देखी है? पहली बार देखा है। अरे टेस्टर, तुमने जो मेरे कोड पे क्रिटिकल डिफेक्ट रेस किया था ना, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। तुम टेस्टर लोग भी ना कुछ भी काम करते हो, इसमें कुछ दिखा डाल दो डिफेक्ट लिस्ट में, इसमें कुछ कम है डाल दो डिफेक्ट लिस्ट में, इसमें कुछ ज्यादा है डाल दो डिफेक्ट लिस्ट में। अरे मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो ऐसी टेस्टिंग, ये टेस्टिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डेवलपर जी आप खुश हैं क्योंकि आपका क्रिटिकल डिफेक्ट रिजेक्ट हुआ है, मगर आपका डिफेक्ट इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि दूर बैठे उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी। रिक्वायरमेंट का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है जो हर वक्त बदलती रहती है। वहां देखिए उस सबिल वासनिक को, कुछ लोग बैंडसन जाते हैं लेकिन वो हर रोज यही इंतजार करता है कि कब मैं अपनी फंक्शन डेस्टिंग खत्म करूंगा और मैं भी बैंडसन जाऊंगा। वहां देखिए सौरभ अग्रवाल को, हर रोज उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार करती है, वो ये सोचता है कि कब मैं अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग खत्म करूंगा और अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा, वो भी फुल परफॉर्मेंस में। कौन सा आपको दिखती है? अनमार कौन है? कोई नहीं दिख रहा है। फोकस लाइट प्लीज। संडे और मंडे में फर्क भूल गया है वो। रोज ऑफिस आता है, टेस्टिंग करता है, फिर शाम को उसे याद आता है अरे आज तो संडे था। हा? अगर इन सब ने बहाना देखा टेस्टिंग छोड़ दी तो ये कोर्ट प्रोडक्शन में कैसे जाएगा? पता पता अब देखिए टेस्टर्स और डेवलपर का प्यार भरा डिस्कशन। हाय डेवलपर। हे हाय टेस्टर, कैसे हो आप? आई एम गुड, यू टेल मी। आई एम सुपर फाइन। ये देखा आपने? वाओ न्यू वॉच। यस यू नो माय बॉयफ्रेंड गिफ्टेड मी। अरे वो छोड़ो, मैंने डिफेक्ट रिजेक्शन का मेल दिखाने के लिए बुलाया था आपको। तो इस डिफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप? नहीं। क्या ये आपका फैसला है? फैसला फैसला तो क्लाइंट करता है क्लाइंट। अगर हमसे कोई डिफेक्ट मिस होता है तो हमें सब बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई एक डिफेक्ट मिस होता है तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप टेस्टर हो, ऑटोमेशन एक्सपर्ट हो,
और किसी कंट्री से ऑनसाइट जाके आए हो, इसलिए ऑनसाइट मेरे मैनेजर तुषार को ले लीजिए उनका नंबर और पूछ लीजिए कैसे बनी मैं ऑटोमेशन एक्सपर्ट। बट अफसोस नहीं बता पाएंगे क्योंकि परसों से ऑनसाइट जो जाके बैठे हैं। अरे हाँ, पूछ लीजिए मेरे टीम मेट्स गुरु और अंकुर को कैसे बने हम ऑटोमेशन एक्सपर्ट। अरे जिस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे हम लोग काम कर रहे थे उसकी SRS तक नहीं देख पाए थे हम लोग। हमदर्दी के लिए नहीं कह रही हूँ बट ऑटोमेशन सीखने के लिए जी तोड़ मेहनत की है मैंने। एक्सेलेंस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, आराम से डेवलपर बनके ये सारे डिफेक्ट्स रिजेक्ट कर सकती थी, बट नहीं, मैं टेस्टर ही रही क्योंकि एक एक डिफेक्ट की कीमत तुम क्या जानो डेवलपर बाबू। डिफेक्ट की कीमत तुम क्या जानो डेवलपर बाबू, टेस्टर के सर का ताज होता है ये डिफेक्ट। टेस्टर की कामयाबी का सबूत होता है ये डिफेक्ट। स्पॉट अवार्ड, अप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट्स, इनके रेटिंग्स का मेन रीजन होता है ये डिफेक्ट और इसलिए मैं कोई भी डिफेक्ट रिजेक्ट होते हुए नहीं देख सकती। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट का मामला है, नहीं, ये अपने टीम का मामला है और ये प्रोजेक्ट बचाने के लिए हमें साथ में काम करना चाहिए। अरे बस कर दे नौटंकी, चल काम करते हैं। चल करते। अच्छा तो हम चलते हैं। देखा आपने टेस्टर और डेवलपर का घमासान युद्ध। अब देखिए मांडवली बिटवीन टेस्टर्स एंड डेवलपर्स। डेवलपर, आज मैं तुम्हारे डिजेक्ट और डिफेक्ट को रीओपन करने आया हूँ और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बिना किसी सबूत के तुम हम पे ये इल्जाम कैसे कर सकते हो? सबूत? सबूत है ये जीरा का लेटेस्ट स्क्रीनशॉट। एक ऐसा स्क्रीनशॉट जिस पे तो टेस्ट डेटा भी नहीं दिख रहा। ठीक से देखो डेवलपर, उस पे टेस्ट डेटा और ट्रांजैक्शन आईडी भी है। नेगेटिव सिनेरियो। ये कैसे मिस हुआ? हमें अफसोस है कि ये गुनाही कोड हमारे हाथों से हुआ। आज तुम्हें अफसोस है, लेकिन उन सैकड़ों डिफेक्ट्स का क्या जो तुमने रिजेक्ट किए थे? हम सच्चे डेवलपर हैं, सारा ऑफिस जानता है। जानता था, लेकिन आज से एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग टीम को ही आएगी। जिस कोड को तुम टेस्ट करके इतना खुश हो रहे हो, इसी कोड को इंटीग्रेशन टेस्टिंग में लाखों बार टेस्ट किया है हमने। इसी क्यूबिकल में कोड करके बड़े हुए हैं हम। अरे राज किया है हमने, राज। मगर एक दिन बिना किसी वजह घेर दिया जाता है हमें रिसोर्स पूल। ये गुनाह है, ये गुनाह है। किसी भी डेवलपर की टेक्नोलॉजी चेंज करना गुनाह है। और के डेस्क पे रखे हुए चॉकलेट स्टोरी करना यह भी गुना है। और सबसे बड़ा गुना तो यह है किसी के कोड के खिलाफ कंप्लेंट करना, यह पाप है, पाप का बाप है ये। कैसी बकवास भरी बातें करो डेवलपर। सही है, मगर आज भी एक ट्रेनी डरता है डेवलपमेंट में आने से, क्योंकि उसे डर है कहीं .NET में ट्रेनिंग देने के बाद जावा में ना कोडिंग करनी पड़े। तो क्या है? हाँ ये गुनाह है, मगर तुम्हारे साथ जो हुआ वो टीम साइज और रिक्वायरमेंट के इंक्रीज होने के कारण हुआ था और ये दोनों तरफ के लोगों में हुआ था, टेस्टर्स और डेवलपर। मगर मुझे अफसोस है कि आज भी कुछ लोग टेस्टर्स और डेवलपर को डिपार्टमेंट में बांटना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने मैनेजर्स पर, वो ऐसा नहीं होने देंगे। सही बात है, ये बात तो सही है, मगर एक डेवलपर था अशोक नाड़ा। चेहरे से नहीं जानता था मैं, स्काइप के यूजर आईडी से जानता था। उस दिन भी वो बहुत खुश था, मुझे स्माइली भेज रहा था क्योंकि उसका कोड लाइव जाने वाला था। मगर आप जैसे एक टेस्टर की वजह से वो कोड प्रोडक्शन में नहीं गया। ये गुना था, गुना है और गुना ही रहेगा। गांव वालों, इसके कोड का प्रोडक्शन बढ़ते ही जा रहा है। गांव वालों, टेस्टर्स
और डेवलपर्स का ये रिश्ता तो पुराना है। किसी ने सही कहा है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।